Hi everyone, welcome to Prep IAS. If you haven't already subscribed to our channel, do subscribe to the channel and hit the bell icon so that you can get regular updates of our courses. This is a continuation of science and technology class which we started. हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जान चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं की है तो उनको अटेंड जरूर कर लें। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एक क्रैश कोर्स चल रहा है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्रैश कोर्स है, जिसमें हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स को उठाएंगे, जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस है उन टॉपिक्स को उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, लेट्स हैव अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट वी स्टडीड अर्लियर। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक ब्लैंक पेज। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हम स्पेस रिसर्च की बात कर रहे थे, ठीक है। स्पेस रिसर्च की बात कर रहे थे। स्पेस रिसर्च होता क्या है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसमें हम साइंटिफिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, हम आउटर स्पेस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, आउटर स्पेस में जो भी चीजें प्रेजेंट है उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं साइंस एंड टेक में, स्पेस रिसर्च के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर हम स्पेस टेक्नोलॉजी को बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि अर्थ साइंस, मटेरियल साइंस, बायोलॉजी, मेडिसिन, फिजिक्स, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हमने बात की थी ऑर्बिट्स की। ऑर्बिट्स को आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, एक है ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे एंड दूसरा है इंक्लिनेशन के बेसिस पे। ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे और इंक्लिनेशन के बेसिस पे, ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे हम अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे पहला है लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट का क्या होता है, टिल 2000 किलोमीटर। देन कम्स एमईओ, दैट इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसका कहां तक है, 2000 से लेकर 3600 किलोमीटर तक। फिर आता है जियोसिंक्रोनस, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, इसका होता है 36000 तक, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉरी 36000 ओके। तो जियोसिंक्रोनस का 36000 है और 36000 के ऊपर जो है दैट इज हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। हाई अर्थ ऑर्बिट इनका होता है मोर देन 36000, राइट। अब सवाल ये उठता है, जितने भी मैंड मिशन है, मैंड मिशन जिसमें हम इंसानों को भेजते हैं, जितने भी मैंड मिशन है वो कहां पर हुए हैं। तो हमारे मोस्ट ऑफ द मैंड मिशन हुए हैं लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, एक्सेप्ट अपोलो प्रोग्राम। अपोलो प्रोग्राम हुआ था नासा के द्वारा, वो लो अर्थ ऑर्बिट में नहीं था। इसके अलावा जितने भी मैंड ऑर्बिट्स हैं, मैन मिशन है, वो सारे लो अर्थ ऑर्बिट में ही हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है कार्बन लाइन। कार्बन लाइन, व्हाट इज दिस कार्बन लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनते जाना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के एटमोस्फेयर को आउटर स्पेस से अलग करती है। जैसे ये अर्थ का एटमोस्फेयर है, ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ का एटमोस्फेयर है और यहां से आउटर स्पेस शुरू होता है, तो ये वाली जो लाइन होगी दैट वुड बी कार्बन लाइन, ठीक है। और ये कहां होगी, 100 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड, दिस वुड बी एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सर्फेस। नेक्स्ट इंक्लिनेशन की हमने बात की थी। इंक्लिनेशन के बेसिस पे दो हो सकते हैं, एक होता है इंक्लाइंड ऑर्बिट और दूसरा होता है जो इंक्लाइंड नहीं हो, ठीक है, नॉट इंक्लाइंड। इंक्लाइंड ऑर्बिट एंड नॉट इंक्लाइंड ऑर्बिट, इंक्लाइंड ऑर्बिट में क्या क्या आते हैं, पोलर ऑर्बिट और पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट, वन सेकेंड, ठीक है। इंक्लाइंड में हमने बात की, सबसे पहला इंक्लाइंड ऑर्बिट्स है। इंक्लाइंड ऑर्बिट्स में क्या क्या आते हैं, पोलर ऑर्बिट और दूसरा पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इसको कहा जाता है SSO एंड दिस इज पोलर ऑर्बिट। तो पोलर ऑर्बिट की जब हम बात करते हैं, पोलर ऑर्बिट कहाँ है, ये एक ऐसा ऑर्बिट है जहां पे सेटेलाइट्स या तो पोल के ऊपर से जाते हैं या पोल के बिल्कुल पास में होते हैं, ठीक है। इनका इंक्लिनेशन होता है 90 डिग्री टू द इक्वेटर। पोलर ऑर्बिट्स का इंक्लिनेशन होता है 90 डिग्री टू द इक्वेटर, इक्वेटर के एग्जैक्टली 90 डिग्री पे। फिर हम बात करते हैं पोलर सन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स की, तो ये 98 डिग्री पे होते हैं इक्वेटर के, 98 डिग्री टू द इक्वेटर,
अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी हाइट बताओ, तो 800 किलोमीटर है अर्थ के सरफेस से इसकी हाइट, और यहाँ ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के लिए, वेदर सैटेलाइट्स के लिए, स्पाई सैटेलाइट्स के लिए इस ऑर्बिट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम नॉट इंक्लाइंड की बात करते हैं। नॉट इंक्लाइंड ऑर्बिट्स सबसे पहला इसमें आता है एलिप्टिकल, एक सेकेंड, एक्लिप्टिकल, एक्लिप्टिकल ऑर्बिट एंड द सेकेंड वन इज इक्विटोरियल ऑर्बिट। इक्विटोरियल जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है इक्वेटर से रिलेटेड होगा, तो इक्विटोरियल ऑर्बिट क्या होता है, इक्वेटर के एकदम पैरेलल होगा, पैरेलल होगा इक्वेटर के। और एक्लिप्टिकल ऑर्बिट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक बेसिकली अगर हम अर्थ के सेंटर से अगर देखें तो सन का जो अपेरेंट पाथ है, ठीक है, उसको इक्लिप्टिकल प्लेन कहते हैं। जैसे हम अर्थ के सर्फेस, ये यहाँ पर आप अर्थ हो, ठीक है, हम अर्थ है, ये सन है, यहाँ पर अर्थ है, तो सन का हमें पाथ नजर आएगा ना, उसको एक्लिप्टिकल ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है, जो अपेरेंट पाथ होता है, जो दिखता है पाथ, उसको एक्लिप्टिकल ऑर्बिट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमने बात की थी जियोस्टेशनरी और सन सिंक्रोनस, इनका डिफरेंस क्या था। तो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, ऑब्वियसली जियोस्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में होंगे, और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होंगे। ऑल्टीट्यूड का क्या डिफरेंस है, जियोस्टेशनरी के लिए 36,000 किलोमीटर है, सन सिंक्रोनस के लिए ऑल्टीट्यूड होता है 800 किलोमीटर का। जियोस्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट है, सन सिंक्रोनस एक्लिप्टिकल ऑर्बिट है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। और हम लास्टली बात करते हैं जियोस्टेशनरी की, तो ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट में हो सकता है, होता है, और जो सन सिंक्रोनस है वो पोलर ऑर्बिट में होता है। ठीक है, हमने पाथ की बात कर ली, मतलब ऑर्बिट के शेप की बात कर ली, कौन सा ऑर्बिट है उसकी भी बात कर ली। तो आई रिपीट, जियोस्टेशनरी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। जियोस्टेशनरी के लिए हाइट है 36,000 किलोमीटर, सन सिंक्रोनस के लिए ऑल्टीट्यूड है 800 किलोमीटर। फिर जियोस्टेशनरी का ऑर्बिट कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और सन सिंक्रोनस का एलिप्टिकल होता है। एंड कौन से ऑर्बिट में जाके बैठते हैं ये, जियोस्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट में और सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में। ठीक है, फिर हमने सैटेलाइट सिस्टम की बात की थी, रिमोट सेंसिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ये ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो आपको वेदर का बताते हैं, दीज आर वेदर सैटेलाइट्स। ठीक है, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट रिमोट सेंसिंग, हम बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे ताकि जल्दी से रिवाइज हो जाए, क्योंकि फर्स्ट क्लास में सब कुछ नहीं क्लियर होता है। तो रिमोट सेंसिंग वो वाले सैटेलाइट्स हैं जिनको वेदर सैटेलाइट की तरह यूज किया जाता है, और इनका हाइट क्या है, इनकी भी हाइट है 800 किलोमीटर। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं अर्थ से, वो जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होती है या स्कैटर होगी अर्थ के सरफेस से, उनको मेजर करने का काम करती है और उसके बेसिस पे बताती है। इंडिया का जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट है अभी तक फिलहाल, मतलब इसमें कितने, अभी फिलहाल 12 सैटेलाइट है और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज कहाँ कहाँ आता है, तो इसको आप, हमने पढ़ा था, आप डिटेल में बताया था मैंने आपको, एग्रीकल्चर में, रिसोर्स मैनेजमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, डिफेंस में। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार दोबारा से जाके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट की। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में को इंडिया में कहा जाता है इनसैट। क्या फुल फॉर्म है इनसैट का, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, ये इसका जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जी सैट टेन। इसमें 12 नॉर्मल सी बैंड ट्रांसपॉन्डर्स थे और 12 एक्सटेंडेड सी बैंड ट्रांसपॉन्डर्स थे और 12 KU बैंड ट्रांसपॉन्डर्स थे। ठीक है, ट्रांसपॉन्डर्स आपसे वैसे तो नहीं पूछते, बट पूछ लिए अगर तो आपको पता होना चाहिए जी सैट टेन में क्या है, 12 नॉर्मल सी बैंड ट्रांसपॉन्डर्स फिर 12 एक्सटेंडेड सी बैंड ट्रांसपॉन्डर्स और 12 KU बैंड ट्रांसपॉन्डर्स। इनका इस्तेमाल कहां किया जाता है, नाम से समझ में आ रहा है कम्युनिकेशन है, टेली कम्युनिकेशन में, टेलीविजन में, और वेदर है तो मतलब मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये उठता है, यहाँ पे बच्चे पूछेंगे मैम ट्रांसपॉन्डर्स क्या है। ट्रांसपॉन्डर्स ऐसे डिवाइस है जो ग्राउंड स्टेशन से
सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और उनको फिर एम्पलीफाई करके वापस से ग्राउंड स्टेशन पे भेजते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल रिसीव करेंगे, उसको एम्पलीफाई करेंगे, बढ़ा देंगे और वापस से ग्राउंड स्टेशन में भेजेंगे। तो जब हम ट्रांसपॉन्डर्स की बात करते हैं तो तीन टाइप के ट्रांसपॉन्डर्स हो सकते हैं। सबसे पहला है एस बैंड। एस बैंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2.5 GHz टू 2.7 GHz। देन कम सी बैंड, जिसकी हमने अभी भी बात की है, इनका होता है 3.9 GHz टू 6.24 GHz। एंड फाइनली के यू बैंड, इसकी भी हमने अभी भी बात की थी। के यू बैंड में कितना होगा? 11 GHz टू 14 GHz। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इक्वेटोरियल साइट को हम क्यों प्रेफर करते हैं सैटेलाइट लॉन्च के लिए। ठीक है, इक्वेटोरियल साइट को ही हम सैटेलाइट लॉन्च के लिए क्यों प्रेफर करते हैं? तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए अब हमको पता है इक्वेटोरियल बेल्ट में उसको प्लेस करना होता है। इक्वेटर को इसलिए किया जाता है क्योंकि इक्वेटर में कंसिडरेबली सबसे कम अमाउंट ऑफ ग्रेविटी है किसी और प्लेस से। तो ऑब्वियसली कम ऑब्वियसली बात है, अगर ग्रेविटी कम होगी तो आपको कम फोर्स देना पड़ेगा, है ना। ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी आपको उतना ज्यादा थ्रस्ट देना पड़ेगा इसीलिए। फिर हमने क्रायोजेनिक इंजन की बात की थी। We talked about cryogenic engine. Talked about cryogenic engine. क्रायोजेनिक इंजन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पूछा जाता है कि बताइए, क्रायोजेनिक मैंने आपको बताया था ना कि लिक्विड पे रखा जाता है, माइनस डिग्रीज पे रखा जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? देखिए, क्योंकि हमें क्रायोजेनिक के लिए नेगेटिव टेम्परेचर चाहिए, तो मतलब बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इस टेम्परेचर पे जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब वो इजिली टूट सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें नई टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी, नई वेल्डिंग टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी। और अलॉयज, अलॉयज क्या होते हैं? जब हम दो मेटल्स को जोड़ देते हैं, मिला के कुछ बनाते हैं, तो उसको अलॉय कहते हैं। तो हमें अलॉय चाहिए होंगे ताकि इतने इतने टेम्परेचर पे वो ब्रिटल होके टूट ना जाए। फिर लिक्विड हाइड्रोजन, क्रायोजेनिक टेम्परेचर के लिए लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, इनका प्रोपोर्शन बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। फिर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को स्टोर करके रखना बहुत डिफिकल्ट काम है, ये एक प्रॉब्लम है क्रायोजेनिक इंजन के साथ। देन फ्यूल्स, द फ्यूल्स एज आर फैक्ट्री लोडेड फॉर पीएसएलवी लॉन्च, दिस कैन नॉट बी डन फॉर जीएसएलवी। जो पीएसएलवी लॉन्च के लिए हम जिस तरीके से फ्यूल्स को फैक्ट्री लोड कर देते हैं, जीएसएलवी के लिए वो नहीं हो पाता है। ठीक है, उसको लॉन्च के कुछ घंटे पहले ही करना पड़ता है, दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट आता है एक कॉन्सेप्ट है, सेकंड, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक इंपल्स। स्पेसिफिक इंपल्स का आप मुझे बताएंगे क्या होता है स्पेसिफिक इंपल्स? आई विल गिव यू 30 सेकंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, आप, मैं बताती हूँ इंपल्स क्या है बेसिकली। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, आपको कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना है उसके लिए स्पेसिफिक एक थ्रस्ट चाहिए होता है, एक स्टार्टिंग में पुश चाहिए होता है, तभी वो उठेगा। तो वो जो स्पेसिफिक थ्रस्ट है, कितना थ्रस्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं एक सेकेंड में, ठीक है, उसको हम स्पेसिफिक इंपल्स कहते हैं। और लिक्विड प्रोपेलेंट्स, प्रोपेलेंट्स हमने पढ़े थे, तो लिक्विड प्रोपेलेंट्स का थ्रस्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड प्रोपेलेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर सैटेलाइट्स की, फ्यूचर लॉन्चेस की। तो यहां पर देखो, एक है सरल, आपने नाम सुना होगा क्योंकि हम ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं जल्दी से बस रिकैप करवा रही हूँ, जो इसमें छूट जाएगा आपका आप खुद से पढ़ेंगे। सरल, सरल स्टैंड्स फॉर सैटेलाइट फॉर आर्गोस एंड ऑल्टिकामीटर। तो दिस इज अ जॉइंट वेंचर, एक्चुअली आप कह सकते हैं ये एक कोऑपरेटिव ऑल्टीमीटर टेक्नोलॉजी है। दिस इज अ कोऑपरेटिव ऑल्टीमीटर टेक्नोलॉजी, कोऑपरेटिव ऑल्टीमीटर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मिशन किसका? इसरो का और सीएनईएस का। सीएनईएस क्या है? दिस इज अ स्पेस एजेंसी ऑफ फ्रांस। ठीक है, दिस इज स्पेस एजेंसी ऑफ फ्रांस। मैं आपको ये बता देती हूँ, ये दिसंबर 2012 में लॉन्च होना था और दिस वाज पोस्टपोन्ड टू फरवरी 2013। आपको सरल के बारे में डेफिनेटली पढ़ना है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट
इसके बाद हमने कुछ कुछ चीजें बस पढ़ी थी ऑर्बिट्स वगैरह के बारे में, जो बेसिक था जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम पढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हमें आज कवर करना था, जैसे कि जीएसएलवी है, ठीक है, जीएसएलवी D5 रॉकेट, उसकी बात करनी है। तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। अगर आपका अभी तक कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जीएसएलवी D5, ये जीएसएलवी D5 एक रॉकेट है, लॉन्च व्हीकल, बेसिकली रॉकेट लॉन्च व्हीकल है, जिसको सैटेलाइट जीएसएट 14 को लॉन्च करने के लिए यूज किया गया था। ठीक है, इट वाज यूज्ड टू लॉन्च द सैटेलाइट जीएसएट 14। रॉकेट इंजन जो इस लॉन्च में यूज किया गया था वो क्रायोजेनिक था। क्रायोजेनिक मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स होते हैं। लो टेम्परेचर पे आपको मुझे बताना है कौन से दो लिक्विड प्रोपेलेंट्स की मैंने बात की थी क्रायोजेनिक में, वो आप मुझे बताएंगे। ये पहली पहली बार ऐसा था कि इंडिया ने सक्सेसफुली एक इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन, इंडिजिनसली क्या होता है जो इंडिया में खुद से डेवलप्ड है, क्रायोजेनिक इंजन को सक्सेसफुली लॉन्च किया था। कहां से लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, और इसको एक ग्रेट अचीवमेंट के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया का पहला इंडिजिनसली सक्सेसफुली इंडिजिनसली लॉन्च्ड डेवलप्ड एक क्रायोजेनिक इंजन था, ठीक है, जो लॉन्च किया गया था। ओके, अब हम इसके आगे देखते हैं। तो देखो जीएसएलवी की जब हम बात करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था जीएसएलवी में तीन स्टेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जीएसएलवी D5 व्हीकल की अगर हम बात करते हैं तो इसका फर्स्ट और सेकेंड स्टेज बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल वैसा जैसे पहले जीएसएलवी मिशन को किया गया था, और थर्ड स्टेज इसका अलग है जो कि इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक स्टेज। तो थर्ड स्टेज है जिसका क्रायोजेनिक स्टेज है। क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट जो यहाँ पर यूज किए गए हैं, जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे यूज किए जाते हैं, मैंने आपको बताया था लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज किया जाता है क्रायोजेनिक में, तो यहाँ पे भी लिक्विड ऑक्सीजन को यूज किया गया था एट 183 डिग्री सेल्सियस एंड लिक्विड हाइड्रोजन को यूज किया गया था एट 253 डिग्री सेल्सियस माइनस, यस माइनस, वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस मत भूल जाना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये नेगेटिव टेम्परेचर पे, वेरी लो टेम्परेचर पे, तो माइनस 183 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस 253 डिग्री सेल्सियस। फिर जीएसएलवी के अलग अलग वेरिएंट्स की बात करते हैं, तो जो मेन वेरिएंट्स है जीएसएलवी के वो है Mk1, Mk2 एंड Mk2 वेरिएंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इंडियन क्रायोजेनिक इंजन है और CE 7.5, और इसको अगर हम देखें तो इसका इसकी इतनी कैपेसिटी है कि ये 2500 किलोग्राम लॉन्च कर सकता है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जीसेट 14 की बात करते हैं। जीसेट 14 एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो ये एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, ठीक है। वेट कितना है? अराउंड 2000 किलोग्राम इसका वेट है। इसको लॉन्च किया गया था बाय जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk2, ठीक है, जो हमने अभी भी पढ़ा जीएसएलवी D5, इसके थ्रू लॉन्च किया गया था, और इसके अंदर क्रायोजेनिक इंजन है थर्ड स्टेज में, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं बार बार इसको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूछ लिया जाता है। जीटीओ में पहुंचने के बाद, मतलब जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचने के बाद, जीसैट 14 अपना खुद का प्रोपल्शन सिस्टम यूज करता है ताकि वो आगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिटल होम में पहुंच सके, और वहां पर जो इसका इंक्लिनेशन होगा वो 74 डिग्री होगा ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इसका इंक्लिनेशन कितना होगा 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भाई पेरिजी और अपोजी क्या होता है, एपोजी और पेरिजी की जरूरत क्यों पड़ती है? जब हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कितने किलोमीटर इंक्लिनेशन है उसका पेरिजी से, या कितने किलोमीटर है वो एपोजी से। तो पेरिजी का मतलब याद रखना, पेरी मतलब पास, ऐसे करके याद रख लेना, तो अर्थ के, ठीक है, जो सबसे पास वाला पॉइंट है उसको पेरिजी कहते हैं, और एपोजी का मतलब जो फार्देस्ट पॉइंट है। जैसे यहां देखो, मान लो ये अर्थ, ठीक है, और ये मून का है, ये मून की ऑर्बिट है, ये रहा मून, तो ये देखो ये सबसे डिस्टेंस पे यहां पर है मून, तो ये क्या हो गया, एपोजी हो गया, एपोजी पोजीशन हो गई, और यहां पर जब मून होगा तो बिल्कुल पास में होगा अर्थ के, तो ये कैसी पोजीशन हो गई, ये पेरिजी पोजीशन हो गई। तो 17 मिनट 5 सेकंड की फ्लाइट के बाद GS-14 सैटेलाइट स्पेसिफिकली कहां पहुंचेगा, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट पे पहुंचेगा, और उसका जो डिस्टेंस है वो 175 किलोमीटर होगा पेरिजी से, मतलब यहां से 175 किलोमीटर होगा, एंड यहां से कितना होगा, इट वुड बी 35,945 किलोमीटर होगा। इंक्लिनेशन है 19.3 डिग्री का विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जीसैट 14 में उसका इंक्लिनेशन कितना है, या किसी भी सैटेलाइट में उसका इंक्लिनेशन कितना है और कहां से है। तो 19.3 डिग्री का इंक्लिनेशन है कहां से है, इक्वेटर,
इक्वेटर से। नेक्स्ट हमने इसकी भी बात की थी, इंडिया रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का क्या काम होता है, आप पहले मुझे बताएंगे रियूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया होगा। बताइए रियूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या है। ओके चलिए मैं बताती हूँ, रियूजेबल जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इसको आप यूज कर सकते हैं दोबारा से। तो देखो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का क्या काम होता है, वो सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे ऑर्बिट में और उसके बाद वापस से अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, एक बार सैटेलाइट को उन्होंने लॉन्च कर दिया उसके बाद वापस से अर्थ एटमोसफेयर में एंटर कर जाएंगे, वही श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज है, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल एक और नाम दिया गया है एंड दैट इज इंडियाज ओन स्पेस शटल। इंडियाज ओन स्पेस शटल। अब स्पेस शटल ही क्यों बोला गया, स्पेस शटल क्या है, दिस वॉज अ पार्शियली रीयूजेबल लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस क्राफ्ट सिस्टम। किसका स्पेस क्राफ्ट सिस्टम है, जो यूएस एक्चुअली ऑपरेट करती थी, बट ये सिर्फ पार्शियली रीयूजेबल था, तो इसलिए वहां से उठा के इन्होंने ये नाम रख दिया ओन इंडिया का अपना स्पेस शटल भी। तो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का क्या फायदा होता है, मैंने आपको बताया था 85% कॉस्ट आती है लॉन्च करने में सिर्फ, तो अब जिस चीज से लॉन्च करें अगर वो हमारे पास वापस आ जाए हम उसको दोबारा यूज कर सके, तो 85% कॉस्ट हमारा बच जाएगा। तो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल भी एक्चुअली लो कॉस्ट रिलायबल स्पेस एक्सेस है हमारे लिए। तो जो हमारा ये इंडियन स्पेस शटल है यानी कि रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टीडी, इसको 5 साल लगे और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट उसमें 95 करोड़ का था इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसरो में जो साइंटिस्ट है उन्होंने टेस्ट किया हुआ है रियूजेबल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेटर टीडी को, और ये पहला अपना मतलब पहला एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसको हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट कहा गया है। अराउंड 10 मिनट लगे थे लिफ्ट ऑफ से लेके स्प्लैश डाउन तक, ऊपर से लेके नीचे आने तक, लिफ्ट ऑफ से लेके स्प्लैश डाउन तक अराउंड 10 मिनट्स लगे इसके अंदर। अब यहां पर एक और चीज क्वेश्चन उठती है एंड दैट इज स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, या जेट और रॉकेट के बीच में क्या डिफरेंस है, जैसे हम बार बार जेट और रॉकेट पढ़ते रहते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है बताइए। और कुछ मैंने आपको रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम बताया था तो इसके कुछ नेम्स बताइए। ठीक है, कुछ रियूजेबल लॉन्च व्हीकल जो यूज हुए, डिस्कवरी, एंडेवर, कोलंबिया, चैलेंजर, इनको यूज किया गया है अलग अलग मिशन के थ्रू। ठीक है, यस बताइए। ओके योर टाइम इज अप। अब पहले मैं थोड़ा सा और रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगी जेट और रॉकेट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए रियूजेबल लॉन्च व्हीकल जो पहले वाला हमारा एक्सपेरिमेंट वाला जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है डेमोन्स्ट्रेटर वाला, उसमें वापस तो आता है बट वो यूज नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाला था वो, तो वो यूज नहीं हो पाएगा, वो यूज नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल डेमोन्स्ट्रेटर की बात करें तो ये अराउंड 6.5 मीटर लॉन्ग है, 6.5 मीटर लॉन्ग, और इसका वेट 1.7 टन्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और चीज है, एक स्पेशल बूस्टर है, जो पहला स्टेज है इसका स्पेशल बूस्टर वाला, उसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जो ये रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टीडी यानी कि डेमोन्स्ट्रेटर को होइस्ट करने के स्टार्ट करने के काम आएगा, और ये लेके जाएगा बेसिकली 70 किलोमीटर तक, जो फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज यानी कि स्पेशल बूस्टर है, वो 70 किलोमीटर आगे तक लेके जाएगा इसको इनटू द एटमॉस्फेयर, और फिर वहां से फिर वो अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्लियर, अब अगर इंडिया में लॉन्चर की बात करें तो अलग अलग लॉन्चर्स इस्तेमाल हुए अभी तक जो सेटेलाइट लॉन्चर्स हैं, जैसे कि SLV है, ठीक है, देन ASLV है, PSLV, GSLV, हम बार बार पढ़ रहे हैं GSLV के बारे में, देन GSLV Mark 3 इज द फ्यूचर, इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये सब है। तो
फिर हम इंडिया के स्पेसक्राफ्ट की अगर बात करें तो अलग अलग सैटेलाइट यूज है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट है, देन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट है, देन एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है, स्मॉल सैटेलाइट है, स्टूडेंट सैटेलाइट। मेजर मिशन की बात करें तो मार्स का ऑर्बिटर मिशन है, ठीक है, देन देर इज LVM3, मैं लिख देती हूँ इनको मेजर मिशन को, क्योंकि ये हमारा क्रैश कोर्स है, जिसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है, वैसे तो रहेगा नहीं, सारे मेन चीजें मैं करवा दूंगी, बट थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ने के लिए बोलूं तो आप अपने आप पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट इज मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये फर्स्ट मिशन है, मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंट मिशन, मेजर मिशन की मैं बात कर रही हूँ। देन इज LVM3X, देन देर इज GSAT-16 जिसमें क्रायोजेनिक इंजन है, देन PSLV C-27 एंड PSLV C-37, क्लियर, 104 सैटेलाइट की। तो ये मेजर मिशन हैं, अगर ये कवर नहीं होते हैं तो इनको पढ़ लेना आप, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस? ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे स्क्रैमजेट इंजन की, 2020 की ये न्यूज है, ये सारा करंट अफेयर्स का भी पार्ट, मैंने आपको करंट अफेयर्स भी इसी में इंक्लूड कर दिया ताकि आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़े, राइट। तो स्क्रैमजेट इंजन की हम बात करेंगे, बट इससे पहले आपको पता होना चाहिए जेट और रॉकेट में क्या डिफरेंस है। जेट और रॉकेट का मेन डिफरेंस ये है कि रॉकेट के अंदर अपना ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजर टैंक बोलते हैं इसको कंबशन के लिए, जबकि जेट इंजन में जो एटमोस्फेयर का ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज होता है, ठीक है। इसीलिए जेट इंजन सॉरी ये रॉकेट इंजन लेस एनर्जी एफिशिएंट है व्हेन कंपेयर टू जेट इंजन। तो जेट इंजन में अपना जेट इंजन के अंदर एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा और रॉकेट के अंदर खुद का ऑक्सीजन होता है, ठीक है, रॉकेट के अंदर खुद का ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज दिस स्क्रैमजेट? स्क्रैमजेट को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इसको आप बोल सकते हैं सुपरसोनिक कंबस्टिंग रामजेट। तो रामजेट भी पता होना चाहिए, ठीक है। रामजेट जेट इंजन क्या है? रामजेट जेट इंजन वो है जिसमें कंबशन सुपरसोनिक एयर फ्लो में होती है। कंबशन यानी कि जो चलने का है, ठीक है, कंबशन आपको पता है फ्यूल जलता है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, उसमें रॉकेट या इंजन आगे बढ़ पाएगा। तो जो कंबशन होता है वो सुपरसोनिक एयर फ्लो में होता है। जो स्क्रैमजेट है वो बेसिकली एक रामजेट ही है, बस उसके अंदर वेरिएशन है। अभी मैं आपको सबकी पिक्चर्स दिखाऊंगी, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी अभी पिक्चर दिखा के सब कुछ क्लियर कर दूंगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जेट इंजन की। जेट इंजन एक ऐसी मशीन है जो कि एनर्जी रिच जो लिक्विड फ्यूल है उसको लिक्विड फ्यूल को कंबस्ट करके एक पुशिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसको थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट एक या ज्यादा इंजन से जब प्रोवाइड होता है तो वो प्लेन को आगे बढ़ाता है और जो एयर है उसको चीर के बेसिकली प्लेन को आगे बढ़ाएगा, विंग्स की शेप आ जाएगी अपवर्ड फोर्स के लिए, उसको कहा जाता है लिफ्ट, और इसी से वो आगे स्काई में पहुंचता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जेट इंजन वो मशीन है जिसके अंदर एनर्जी रिच लिक्विड फ्यूल जो है उसको कंबस्ट करके हम थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारा जेट इंजन आगे बढ़ेगा, ठीक है। जेट इंजन में तीन मेन प्रोसेस होते हैं। हाँ, जो पहला ऑपरेशनल जेट इंजन था ये मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑपरेशनल जेट इंजन, फर्स्ट ऑपरेशनल जेट इंजन डेवलप किया गया था बाय हंस बॉर्न। हंस वॉन कहाँ के? जर्मनी। लेकिन इसका जो क्रेडिट जाता है, क्रेडिट इसकी डिस्कवरी का, वो चला गया था ग्रेट ब्रिटेन के फ्रैंक को, ग्रेट ब्रिटेन के फ्रैंक विटल, फ्रैंक विटल, ठीक है। अब जेट इंजन में तीन आपको मेन प्रोसेस मिल जाएंगे। सबसे पहला है कंप्रेशन, दूसरा है कंबस्टन और तीसरा है एग्जॉस्ट। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन इट इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ एयर ट्रैप्ड इनसाइड द चेंबर। कंप्रेशन की वजह से जो एयर ट्रैप्ड है चेंबर के अंदर उसका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। कंबस्टन क्या करता है? जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, मतलब एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसके टेम्परेचर को बढ़ा देगा, उसको जलाने का काम करेगा एक तरीके से, जिससे हीट एनर्जी रिलीज होगी फ्यूल से, फ्यूल के अंदर से। एग्जॉस्ट क्या करता है? ये एग्जॉस्ट गैस की वेलोसिटी को बढ़ाएगा, इसके थ्रू जो हमारा व्हीकल है उसको पावर मिलेगी। भाई फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी एग्जॉस्ट गैस की,
इन रिटर्न हमारे व्हीकल की पावर बढ़ती रहेगी। तो ये होता है एग्जॉस्ट। अब आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है टर्बोजेट, ध्यान से देखिए, दिस इज टर्बोजेट, दिस इज रैमजेट एंड दिस इज स्क्रैमजेट। तो इन सब में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट कंप्रेशन का होगा, दूसरा कंबशन का होगा और तीसरा एग्जॉस्ट का होगा। सब में ये चीजें प्रेजेंट है। जितने भी जेट इंजन है, गैस टर्बाइन्स है, गैस टर्बाइन्स भी आपने सुना होगा, जेट इंजन गैस टर्बाइन सब एक ही तरीके से बात एक ही तरीके से काम करते हैं। तो सब में आपको पांच मेन चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहला है इनलेट, दूसरा है कंप्रेसर, तीसरा है कंबस्टन चैम्बर, कंबस्टन चैम्बर, देन यू वुड सी देर इज टर्बाइन, विथ फिफ्थ वन ड्राइव शाफ्ट। बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको नाम पता होना चाहिए। इनलेट है, मैंने तीन चीजें तो आपको बताई थी, कंप्रेसर कंबशन और एग्जॉस्ट। तो यहाँ पे कंप्रेसर कंबशन देन टर्बाइन और ड्राइव शाफ्ट, ये सारे सेम फीचर्स है इसके अंदर भी। जो मेन टाइप्स ऑफ जेट इंजन है वो वही है, टर्बोजेट है, देन देर इज रैमजेट, देन देर इज स्क्रैमजेट। टर्बोजेट की जब हम बात करते हैं तो टर्बोजेट इंजन एक एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है, ठीक है, बहुत कॉमन टाइप का इंजन है, बहुत ज्यादा यूज होता है अभी भी एरोप्लेन्स में। देन कम्स टर्बोफैन इंजन, टर्बोफैन इंजन, टर्बोफैन इंजन की हम बात करते हैं, फिर मैं रामजेट और स्क्रैमजेट की बात करूंगी। टर्बोफैन इंजन क्या है, टर्बोफैन टर्बोजेट से थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे कि टर्बोफैन के अंदर एक एडिशनल कॉम्पोनेंट होता है। क्या, टर्बो सेम है, फैन एक एडिशनल है। तो जब हम टर्बोजेट की बात करते हैं, यहां पर देखो टर्बोजेट एंड टर्बोफैन, तो टर्बोजेट और टर्बोफैन में टर्बोजेट बिल्कुल वैसा ही है टर्बोफैन जैसा, बस टर्बोफैन में एक एक्स्ट्रा चीज होती है, ये फैन, ठीक है, एडिशनल कंपोनेंट है फैन, जो क्या करता है एयर को सक कर लेगा, ठीक है, और इसे और ज्यादा कंप्रेस कर देगा और कंबशन होगा बर्नर के अंदर, तो एक फैन एक्स्ट्रा होता है, दैट्स इट। देन कम्स रामजेट, रामजेट का क्या काम है, दिस इज अ हाई स्पीड फॉरवर्ड मूविंग, फॉरवर्ड मोशन, इसमें क्या यूज होता है, हाई स्पीड फॉरवर्ड मोशन जिससे एयर को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, हाई स्पीड फॉरवर्ड मोशन जिसमें एयर को कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेसर नहीं है, एयर को कंप्रेस किया जाएगा इसके थ्रू, फ्यूल को इंजेक्ट किया जाएगा कंबशन चेंबर के अंदर, जहां पर ये हॉट कंप्रेस्ड एयर के साथ मिक्स होगा और वहां पे फिर इग्नाइट हो जाएगा, यानी कि आग लग जाएगी, मतलब वो बर्न हो जाएगा, बेसिकली आग नहीं बर्न हो जाएगा। जो एवरेज स्पीड है रामजेट की, दैट इज अराउंड 3 to 6 Mach, 3 to 6 Mach, लेकिन एक बार ये हाइपरसोनिक स्पीड पे पहुंच जाए तो इसकी स्पीड धीरे धीरे, इसकी एफिशिएंसी, रामजेट की एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती जाती है। ध्यान से सुनना, रामजेट में क्या है, हाई स्पीड फॉरवर्ड मोशन है, ठीक है, कंप्रेसर नहीं, हाई स्पीड फॉरवर्ड मोशन है जो कंप्रेसर जैसा काम करता है, वो एयर को कंप्रेस कर देगा, फिर उसके बाद जो फ्यूल है उसको इंजेक्ट किया जाएगा कंबशन चेंबर में। अब कंबशन चेंबर में आते ही ये जो फ्यूल है वो हॉट एयर कंप्रेस जो हुई थी पहले उसके साथ मिक्स होगी, फिर वहां पे बर्न हो जाएगी। एवरेज स्पीड ये 3 to 6 Mach प्रोवाइड करता है, और जैसे ये हाइपरसोनिक स्पीड पे पहुंचेगा वैसे ही व्हीकल की एफिशिएंसी कम होती जाती है। लास्टली इज स्क्रैमजेट, स्क्रैमजेट में आप देख सकते हैं शुरू में कंप्रेशन, बीच में कंबशन और लास्ट में एक्सपेंशन। यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही जैसा रामजेट, ठीक है, मतलब हाई स्पीड फॉरवर्ड मोशन जो एयर को कंप्रेस करने का काम करती है, बट यहां पर एक और इंप्रूवमेंट है। क्या इंप्रूवमेंट है रामजेट के बदले, उसके उसकी जगह एक और इंप्रूवमेंट है, वो क्या, ये हाइपरसोनिक स्पीड पे ही ये ऑपरेट करता है, ये बहुत अच्छे से हाइपरसोनिक स्पीड पे ऑपरेट करता है, इस पे हाइपरसोनिक स्पीड पे ऑपरेट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें सुपरसोनिक कंबशन हो सकता है, सुपरसोनिक कंबशन हो सकता है। स्पीड इसकी 6 Mach से ज्यादा है, यानी कि जो साउंड की स्पीड है उससे 6 गुना ज्यादा है इसकी। एंड लास्टली इज ड्यूअल मोड रामजेट, ड्यूअल मोड रामजेट क्या है, टाइप ऑफ ये आप कह सकते हैं जेट इंजन का ही एक टाइप है, जहां पे रामजेट को स्क्रैमजेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है ओवर 4 to 8 Mach रेंज, ठीक है, इसीलिए ये दोनों में ऑपरेट कर सकता है, सबसोनिक में भी ऑपरेट कर सकता है और सुपरसोनिक मोड में भी ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, टर्बोजेट, टर्बोफैन, रामजेट, स्क्रैमजेट, ड्यूअल मोड, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर हम बात करते हैं ये स्क्रैमजेट की थोड़ी सी डिटेल में, कि ये काम कैसे करता है। मैंने आपको बताया था ना पांच होते हैं, ये इनलेट हो गया, ठीक है, फिर कंप्रेशन है, कंबशन है, एग्जॉस्ट है, तो यहाँ पे पांच है,
ठीक है, स्क्रैमजेट ऑपरेट कैसे करता है थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी भी चीज को आग लगाने के लिए आपको क्या चाहिए? हवा की जरूरत है, ऑक्सीजन रहेगा तभी आग लगेगी, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। रॉकेट जनरली अपना ऑक्सीजन अपने साथ कैरी करते हैं, जिसको ऑक्सीडाइजर टैंक कहा जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन कैरी होता है, जो अर्थ के एटमोस्फेयर में ट्रेवल करते वक्त वो कैरी करते हैं। बट अगर हम किसी तरीके से एटमोस्फेयर के ऑक्सीजन को यूज कर सके तो ज्यादा एनर्जी एफिशियंट हो जाएगा। यहां पर स्क्रैमजेट की इंपॉर्टेंस आती है। स्क्रैमजेट इंजन, इसको डिजाइन किया गया है बाय इसरो और ये हाइड्रोजन को यूज करता है एज अ फ्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करेगा और ऑक्सीजन कहां से यूज करेगा? फ्रॉम एटमोस्फेरिक एयर। ऑक्सीजन ये लेता है एटमोस्फेरिक एयर से, जिसकी वजह से ये सिस्टम बहुत ज्यादा लाइटर है, ठीक है, ज्यादा एफिशिएंट है और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि एटमोस्फेयर का यूज कर रहे हैं तो अपने आप साथ में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्क्रैमजेट इंजन को टेस्ट किया गया था, इसका जो टेस्ट लॉन्च है वो किया गया था ऑन रोहिणी 560 साउंडिंग रॉकेट। ये एक रिसर्च रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट का नाम याद रखना, रिसर्च रॉकेट का क्या है? रोहिणी 560, ठीक है, रोहिणी 560, यानी कि RH-560 भी कहते हैं इसको, RH-560। ये एक टू स्टेज एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल, और इसको किसने डिजाइन और डेवलप किया है? इसको भी डिजाइन और डेवलप किया गया है बाय इसरो, स्क्रैमजेट इंजन को ही टेस्ट करने के लिए, ठीक है। और ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल है, ATV हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, ये सबसे ज्यादा हैवी है, 3 टन का है, 3 टन का साउंडिंग रॉकेट है। अभी तक इसरो ने जितने भी रिसर्च रॉकेट डेवलप किए हैं उनमें से हैवी साउंडिंग रॉकेट है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, वही स्क्रैमजेट इंजन है, उसको लॉन्च किया गया था ऑन रोहिणी 560 साउंडिंग रॉकेट, जो कि एक रिसर्च रॉकेट है, और ये एक टू स्टेज एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल है जिसको डिजाइन और डेवलप किया गया है इसरो द्वारा। अब सवाल उठता है कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस है? चैलेंजेस ये है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें अपना कंप्रेसर नहीं है, हाई स्पीड एयर को यूज करता है, तो क्योंकि इसके अंदर कंप्रेसर नहीं है एयर को कंप्रेस करने के लिए, ये एक हाई स्पीड फॉरवर्ड मोशन को कंप्रेस करने के लिए यूज करता है, एयर को कंप्रेस करने के लिए यूज करता है, तो ये अपने आप एफिशिएंट थ्रस्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता जब तक ये हाई स्पीड पे ना पहुंच जाए। हाई स्पीड पे पहुंचेगा तभी तो एयर को ज्यादा कंप्रेस करेगा और थ्रस्ट पहुंचेगा, तो थ्रस्ट तक ये तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक हाई स्पीड तक ये एक हाई स्पीड तक ना पहुंच जाए। तो इससे हमें पता चलता है कि स्क्रैमजेट इंजन तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उनकी स्पीड हाई ना हो जाए। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्क्रैमजेट का। उसके बाद जैसे हम लॉन्च व्हीकल्स की बात करते हैं, मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, सबके डिफरेंट इंजन होते हैं, और एक बार फ्यूल बर्न हो जाए फर्स्ट स्टेज में, उसके बाद जो इंजन है वो बेसिकली क्या करता है, हट जाता है, ताकि जो व्हीकल का वेट है वो रिड्यूस होता जाए। सो जब सेकेंड स्टेज इग्निशन शुरू होगा तो जो स्पीड है वो स्क्रैमजेट के लिए सफिशियंट होती है फंक्शन के लिए। तो इसरो ने क्या किया, स्क्रैमजेट इंजन को यूज किया एट सेकेंड स्टेज ऑफ द फ्लाइट, जो फ्लाइट टेस्ट की थी उसके सेकेंड स्टेज में यूज किया, क्योंकि अगर प्रॉपरली मतलब स्पीड नहीं आएगी तो फिर तो थ्रस्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। तो जो हमारा थ्रस्ट वाला प्रॉब्लम था उसको इसरो ने इस तरीके से सॉल्व किया, उसको सेकंड स्टेज में यूज करके, क्योंकि सेकंड स्टेज में ही सफिशिएंट स्पीड आएगी। फिर अब इम्पोर्टेंस क्या है इस टेक्नोलॉजी की, इम्पोर्टेंस जानना भी बहुत जरूरी है। एफिशिएंसी लॉन्च व्हीकल की डिपेंड करती है कि वो कितना ज्यादा वेट कैरी कर सकता है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्यूल का, ठीक है। किसी पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको मान लो थोड़ा सा फ्यूल दिया, तो उस फ्यूल में कितना वेट वो कैरी कर सकता है इस पर डिपेंड करता है कि कोई भी लॉन्च व्हीकल कितना एफिशिएंट है। अभी इंडियन रॉकेट्स की अगर हम बात करें तो वो ऑक्सीजन का ह्यूज क्वांटिटी लेके जाते हैं, जैसे अराउंड 200 टन होता है, जो 85% है अप्रोक्सीमेटली जो रॉकेट का वेट है उसका। तो ये जब बर्न हो जाएगा एटमोस्फेरिक फ्लाइट फेज में, ठीक है, एटमोस्फेरिक फ्लाइट फेज ऑफ द रॉकेट में ये बर्न हो जाता है। फिर स्क्रैमजेट को जब हम यूज करते हैं तो उससे लॉन्च व्हीकल का वेट कम हो जाएगा, क्योंकि स्क्रैमजेट अपना ऑक्सीजन तो रुकता नहीं है, वो एटमोस्फेयर का ऑक्सीजन यूज करता है, तो वेट कम हो जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इंडिया को हमारे पास जितना कम बजट है उस कम बजट में भी ज्यादा एफिशियंट रिजल्ट मिलेंगे। फिर सैटेलाइट लॉन्चिंग बिजनेस की बात करें तो आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा मोमेंटम वो गेन करने लग गया है। एंड्रिक्स कॉर्पोरेशन जो कमर्शियल विंग है इसरो का, वो बार बार इस जो सैटेलाइट्स है उनको लॉन्च करती है लो कॉस्ट पे एज कम्पेयर टू बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं। इसको हम फर्दर ऑगमेंट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करके, जिससे हमारा कॉस्ट जो है वो और मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल आप इसरो का जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसमें भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है एवेटार का। एवेटार क्या है? एरोबिक व्हीकल फॉर ट्रांस एटमोस्फेरिक हाइपरसोनिक एरोस्पेस ट्रांसपोर्टेशन।
ये इसरो का एक और लॉन्च व्हीकल है, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल प्लेटफॉर्म है, जिसमें सैटेलाइट्स जैसे नॉर्मल एयरक्राफ्ट है वो वर्टिकली जाएंगे और अल्टीमेटली वापस से रनवे पे लॉन्च बैक हो जाएंगे, ठीक है। उनको कहा जाता है एवेटार या अवतार हो सकता है हिंदी में अगर आपको बोलना है तो, राइट। नेक्स्ट आता है जीएसएलवी मार्क थ्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जीएसएलवी मार्क थ्री तो आप किसी भी केस में मिस नहीं कर सकते। मैंने थोड़ा सा आपको जीएसएलवी मार्क थ्री के बारे में पहले भी बताया है, अभी थोड़ी सी स्लाइड से पहले भी बताया था, बट हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जीएसएलवी मार्क थ्री की अगर हम बात करते हैं, डी वन, जीएसएलवी मार्क थ्री डी वन, जीएसएलवी मार्क थ्री डी वन, इसकी हम बात करें तो इसको लॉन्च, ये दिस लॉन्च जी सैट 19 जून 5 को, जून 5, 2017 को कहां से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC SHAR, ठीक है, कहां पे, श्रीहरिकोटा। दिस वॉज द फर्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ जीएसएलवी मार्क थ्री, जीएसएलवी मार्क थ्री डी1 सक्सेसफुली इसने क्या किया था, जीएसएलवी 19 सॉरी जीसैट 19 सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इन्होंने प्लेस कर दिया, ठीक है। जीएसएलवी मार्क थ्री ने क्या किया है, जीसैट 19 सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है। अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, ये थ्री स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसको इसरो ने डेवलप किया है, थ्री स्टेज जिसमें दो सॉलिड स्टेजेस हैं इसके स्ट्रैपॉन्स के साथ और एक लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज है, और उसके साथ जो थर्ड स्टेज है दैट इज अ क्रायोजेनिक स्टेज, हम पढ़ चुके हैं क्रायोजेनिक स्टेज है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट स्टेज में टू सॉलिड मोटर स्ट्रैपॉन्स है, देन लिक्विड प्रोपेलेंट कोर स्टेज है एंड क्रायोजेनिक स्टेज है। देन जीएसएलवी मार्क थ्री की अगर हम बात करते हैं तो ये केपेबल है कि ये 4 टन क्लास ऑफ सेटेलाइट को आराम से लॉन्च कर सकता है जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में ये वेट मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट, अब यहां से हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। जैसे हमने जीएसएलवी मार्क थ्री डी1 के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये पहला डेवलपमेंट सेटेलाइट है जो 3000 किलोग्राम ऑफ जीसैट 19 सेटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ट्रांसफर करने का काम कर रहा किया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ से करंट अफेयर शुरू होता है, हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी खत्म हो चुका है, बस करंट अफेयर्स हमें बहुत सारे कवर करने हैं, तो वो भी मैं आपको कवर करवा देती हूँ क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास लेने के बाद आप इधर उधर घूम रहे हैं कि आपको ये नहीं पता करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, राइट। तो करंट अफेयर से पहला आता है क्रू टू मिशन। क्रू टू मिशन क्या है, 4 एस्ट्रोनॉट्स थे जिनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था, और दिस मिशन वॉज अ पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड SpaceX अंडर कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। किसका है ये, नासा और SpaceX का ये पार्ट है, ठीक है, नासा और SpaceX का। इस मिशन को कहा गया था क्रू। अब कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है नासा और प्राइवेट इंडस्ट्री का, ताकि एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाया जा सके और वहां से वापस लाया जा सके। ये खुद में स्पेस क्राफ्ट को ओन नहीं करता, ना ही ऑपरेट करता है। और देखिए, किसी भी स्पेस प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कॉस्ट को लोअर करना, तो ये स्पेस फ्लाइट की कॉस्ट को लोअर करने में हेल्प करेगा, नए कमर्शियल मार्केट को पोटेंशियली ग्रो करेगा जहां पे ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जा सकता है। नासा अब स्पेसक्राफ्ट बिल्डिंग पे काम कर सकती है, रॉकेट्स पे काम कर सकती है ताकि स्पेस में डीप एक्सप्लोरेशन किए जा सके। देन बोइंग और SpaceX, इन दोनों को सिलेक्ट किया गया था नासा द्वारा सितंबर 2014 में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने के लिए, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी तो चाहिए वहां पहुंचने के लिए, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने के लिए बोइंग और SpaceX को सिलेक्ट किया गया था बाय नासा। अब नासा की पार्टनरशिप देख लेते हैं SpaceX के लिए, क्योंकि क्रू टू उसी का पार्ट है। तो मई 2020 में नासा का SpaceX डेमो टू टेस्ट फ्लाइट है, वो लिफ्ट ऑफ हो गया था कहां पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, जिसके अंदर 2 एस्ट्रोनॉट्स थे। इस टेस्ट फ्लाइट का काम यही था, ये देखना था कि SpaceX के कैप्सूल्स क्या उनको रेगुलर बेसिस पे यूज किया जा सकता है एस्ट्रोनॉट्स को ISS में भेजने और वापस लाने के लिए। फिर डेमो टू, जो डेमो हो गया उसके बाद क्रू वन मिशन आया नवंबर में। क्रू वन मिशन पहला ऑपरेशनल फ्लाइट था SpaceX क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का ऑन फैल्कन 9 रॉकेट। रॉकेट का नाम यहाँ पे आपको याद रखना है फैल्कन 9 है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके गया है। क्रू टू मिशन की बात करते हैं, यह सेकेंड क्रू रोटेशन है SpaceX क्रू ड्रैगन, और अगर इंटरनेशनल पार्टनर्स की बात करें तो इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ ये पहला मिशन है, ठीक है। 4 एस्ट्रोनॉट्स में से 2 नासा से थे, 1 जापान से एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और तीसरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। क्रू टू एस्ट्रोनॉट की अगर हम बात करते हैं तो वो एक्सपीडिशन 65 को ज्वाइन करेंगे और फिर वो ISS में 6 महीने के लिए रहेंगे, जहां पर वो अलग अलग
साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे लो अर्थ ऑर्बिट पे, ठीक है, अलग अलग साइंस एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट पे। मेन फोकस इनका यही होगा टिश्यू चिप्स को स्टडी करना, स्पेस स्पेस स्टडीज में टिश्यू चिप्स क्या होते हैं उनको स्टडी करने का काम था इनका मेनली। वन सेकेंड प्लीज। चलिए, तो मैंने आपको बताया था एक्सपीडिशन 65 का ये पार्ट है। एक्सपीडिशन 65 क्या, 65th लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सपीडिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। मैंने आपको बताया कि टिश्यू चिप्स को स्टडी करने के लिए इनका मेन काम क्या था कि ये जो टिश्यू चिप्स की स्टडीज है उनको कंटिन्यू कर सके, ठीक है। तो टिश्यू चिप्स क्या है, टिश्यू चिप्स स्मॉल मॉडल्स है ह्यूमन ऑर्गन्स के, ठीक है, जिनमें कई सारे सेल टाइप्स होते हैं विच बिहेव बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सिमिलर टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन सेल्स जैसे ही है, ह्यूमन ऑर्गन्स के स्मॉल मॉडल्स है, तो ह्यूमन बॉडी जैसा बिहेव करेंगे। अकॉर्डिंग टू नासा ये चिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये देख सकते हैं कि जैसे ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या चीजें सेफ रहेंगी नहीं रहेंगी ये अगर हम चेक कर ले तो हमारे लिए जो ड्रग्स और वैक्सीन है इफेक्टिव एंड एफिशियंट ड्रग्स और वैक्सीन बनाना काफी आसान हो जाएगा। इन टिश्यू चिप्स को स्पेस में यूज किया जाएगा ताकि जो अलग अलग डिजीजेस है ह्यूमन ऑर्गन्स के उनको स्टडी किया जा सके और उनको फिर टैकल किया जा सके बेसिकली इसके लिए। तो टिश्यू चिप्स क्या है, ये स्मॉल मॉडल्स है ह्यूमन ऑर्गन्स के। नेक्स्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में देख लेते हैं। ये एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये अर्थ का सर्कल करता है अराउंड 92 मिनट्स में, यानी कि एक दिन में 15.5 ऑर्बिट ये पर डे कंप्लीट करता है। आईएसएस प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये ज्वाइंट ज्वाइंट प्रोग्राम है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है पांच स्पेस एजेंसीज का। कौन कौन सी, नासा, नासा फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, रॉस कॉस्मोस रशिया, जाक्सा जापान, ईएसए यूरोप, सीएसए कनाडा। और यहां पर आप देखेंगे कि मेनली इसकी जो ओनरशिप है ये खुद की है और बेसिकली इसका ओनरशिप और यूज ये एस्टैब्लिश कौन करता है, जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज हैं और अग्रीमेंट्स है ये एस्टैब्लिश करती है, ठीक है। ये एक तरीके से रिसर्च लेबोरेटरी, हमें पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहीं पर जो क्रू मेंबर्स होते हैं या जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको वहीं भेजा जाता है ताकि वहां पे जाके वो एक्सपेरिमेंट कर सके। तो ये एक एनवायरमेंट रिसर्च लेबोरेटरी है जहां पर क्रू मेंबर्स अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं बायोलॉजी पे, ह्यूमन बायोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मीट्रोलॉजी और बाकी अदर फील्ड्स में, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ऑपरेट होगा कब तक, 2030 तक। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नासा का इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर। नासा का एक मिनिएचर रोबोट हेलीकॉप्टर था इंजेन्युटी, जिसको जो सक्सेसफुली टेक ऑफ कर गया था और मार्स पे लैंड कर गया, ठीक है। पहला पावर्ड कंट्रोल्ड फ्लाइट है ऑन एनी अदर प्लैनेट, जैसे हमें दिख रहा है कि मार्स के लिए था ये। तो जो पहला फ्लाइट था पावर्ड फ्लाइट अर्थ के ऊपर अचीव किया गया था, दैट वॉज बाय राइट ब्रदर्स इन 1903 नॉर्थ कैरोलिना में। एंड इंजेन्युटी की अगर हम बात करते हैं तो पहला हेलीकॉप्टर है जो मार्स तक पहुंचा है। इसमें नासा के रोवर थे, नासा रोवर है इसमें, कौन सा, परसिवरेंस, नाम याद रखना, नासा का रोवर है परसिवरेंस। इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2020 के अंदर। इंजेन्युटी यू कैन सी इट इज एबल टू फ्लाई यूजिंग काउंटर रोटेटिंग ब्लेड्स। इसमें क्या है, काउंटर रोटेटिंग ब्लेड्स हैं जो करीब 2400 रोटेशन पर मिनट की स्पीड से स्पिन करते हैं। इसमें एक वायरलेस कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, इसके अंदर कंप्यूटर्स हैं, नेविगेशन सेंसर्स हैं और दो कैमरा है। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सोलर पावर्ड। तो सोलर पावर्ड का क्या मतलब है, ये खुद को खुद से ही रिचार्ज कर सकता है, ठीक है, तो वेरी एफिशियंट। नाउ हेलीकॉप्टर्स मिशन, इट इज एक्सपेरिमेंटल इन नेचर, बिल्कुल कंप्लीटली डिपेंड करता है रोवर्स के साइंस मिशन पे। ये क्या बेसिकली इसको क्यों किया गया था, तो ये सैंपल्स कलेक्ट करेगा अलग अलग लोकेशन से, जहां पर रोवर नहीं पहुंच सकता वहां से ये सैंपल्स कलेक्ट करेगा। फिर नासा के इस परसिवरेंस रोवर की बात करते हैं, क्योंकि सारा जो आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट है उसी पे बेस्ड है। तो परसिवरेंस मार्स के जेजेरो क्रेटर पे लैंड किया था। जेजेरो क्रेटर क्या है, ये एक एंशियंट रिवर डेल्टा है जिसमें रॉक्स और मिनरल्स हैं, और ये तभी बन सकता है जब वहां पे वाटर हो। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि वहां पे वाटर तो रहा होगा। तो फरवरी 2021 में ये इस क्रेटर में जाके लैंड करता है और अब ये वहीं पर रहेगा, मार्स पे ही रहेगा करीब 2 साल तक, और ढूंढेगा कि पहले कभी लाइफ के साइंस यहाँ पर थे या नहीं थे। देन रोवर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि वो एंशियंट लाइफ के साइंस को स्टडी कर सके, सैंपल कलेक्ट कर सके और कोशिश करे कि सैंपल को अर्थ पे भेजा जा सके ताकि फ्यूचर मिशंस के लिए उनको इस्तेमाल किया जा सके एंड नई नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा सके, ताकि फ्यूचर रोबोटिक्स में, ह्यूमन मिशंस में, इन सब में जब मार्स पे हम भेजेंगे तो इन सब में हमें हेल्प मिल सके।
मार्स की बात कर लेते हैं, फोर्थ प्लैनेट है सन, सन से, सन की तरफ से देखें तो फोर्थ प्लैनेट है ये, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है और इसका साइज करीब अर्थ के आधे साइज का, ठीक है, हाफ ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ। अब क्यों हम बार बार मार्स पे लाइफ ढूंढ रहे हैं, क्या डिफरेंट, क्या सिमिलैरिटी है मार्स और अर्थ में? तो मार्स सन का ऑर्बिट करता है, अर्थ भी करता है, इसका रोटेशन एक कंप्लीट हो जाता है 24.6 आवर्स में और अर्थ में 23.9 आवर्स में, मतलब देखिए कितना करीब है, ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों का अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स है दोनों के। देन मार्स का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है 25 डिग्री का टिल्ट है उसमें, ठीक है, और अर्थ में 23.4 डिग्रीज का टिल्ट है, अगेन वेरी सिमिलर, बिल्कुल अर्थ की जगह मार्स में भी अलग अलग सीजन है, लेकिन मार्स पे सीजन थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू अर्थ, क्योंकि मार्स थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है सन के चारों तरफ घूमने में। मार्शियन डे को, मार्स पे जो दिन है उसको सोल्स कहा जाता है, जो सोलर डे के लिए शॉर्ट है। मार्स के टू मून्स हैं, फोबोस एंड डीमोस, यू नीड टू रिमेम्बर दीज टू मून्स, फोबोस एंड डीमोस, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लॉन्च किया गया था अगेन फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नवंबर 2013 में इसको लॉन्च किया गया था पीएसएलवी C-25 रॉकेट के ऊपर, और इसका मेन काम क्या था, मार्स के सर्फेस को स्टडी करना, वहां पे मिनरल कॉम्पोजिशन को स्टडी करना और देखना कि वहां पर एटमोस्फेयर में मीथेन है या नहीं, और मीथेन क्या होता है, दिस इज एन इंडिकेटर फॉर लाइफ ऑन मार्स, ठीक है। तो ये था इस मिशन का पूरा काम। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारे पास आता है सपोर्ट सेंटर फॉर आदित्य L1। अब आदित्य L1 क्या है, आदित्य L1 मिशन था हमारा, ठीक है, वन सेकेंड गाइस, ओके, आदित्य L1 मिशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। एरीज फैसिलिटी, अभी एरीज फैसिलिटी क्या है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, एरीज स्टैंड्स फॉर आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ये दिस विल होस्ट एज अ सपोर्ट सेंटर फॉर आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च होगा, 2022 के अंदर। एरीज एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, और ये कहाँ लोकेटेड है, नैनीताल उत्तराखंड के अंदर। आदित्य L1 मिशन की बात करते हैं तो इंडिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेडिशन है जिसमें हम सन को स्टडी करने की बात करेंगे, आदित्य इज अनदर नेम फॉर सन, तो सन को यानी कि सूर्य को समझने की कोशिश करेंगे, सूर्य को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ये इसरो का यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन है, पहला कौन सा था, एस्ट्रोसैट, ठीक है, एस्ट्रोसैट को लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर। इसरो आदित्य L1 को कैसे बताता है, ये एक 400 किलोग्राम क्लास सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया जाएगा कहां पे, पीएसएलवी में, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में इसको, उसका यूज करके इसको लॉन्च किया जाएगा एक्सएल कॉन्फिगरेशन के अंदर। फिर इसको इंसर्ट किया जाएगा हेलो ऑर्बिट के अंदर लैग्रेरियन पॉइंट 1 के पास, जो 1.5 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से। अभी लैग्रेरियन पॉइंट 1 क्या है, ठीक है, देखो पहली बात तो हेलो समझ लो, जब आप सन को देखते हो ना तो सन के चारों तरफ आपको इस तरीके से एक, जैसे आप अगर कभी सूर्य ग्रहण होता है तो आप देखो कि सन की ऐसी शेप हो तो उसके चारों तरफ आपको ऐसे रोशनी नजर आएगी, दैट इज सन्स हेलो, ठीक है, सन का जो आसपास वाला एरिया है उसमें होता है सन्स हेलो। अब लैग्रेरियन पॉइंट क्या है, लैग्रेरियन पॉइंट, दिस लैग्रेरियन इज नेम्ड आफ्टर इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसका नाम था जोसेफी लैग्रेंज, ठीक है, और ये स्पेस के वो पोजिशंस है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस किसी भी दो बॉडी सिस्टम का, जैसे हम यहाँ पे सन और अर्थ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगे दो बॉडी सिस्टम के, ये बहुत ज्यादा एनहांस्ड होंगे रिजल्टिंग फ्रॉम अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको दिखेगा ये है। अब यहाँ पर हम क्यों इसको, इसी को हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि इसको स्पेसक्राफ्ट यूज कर सकता है ताकि फ्यूल कंजम्पशन को कम किया जा सके, ठीक है, अगर एक ही पोजीशन में रहेगा तो फ्यूल कंजम्पशन कम लगेगा, तो फ्यूल कंजम्पशन को कम किया जा सके। L1 रेफर्स टू लैग्रेरियन या लैग्रेंज पॉइंट 1, और ये टोटल 5 पॉइंट्स है जिसमें से एक लैग्रेरियन पॉइंट 1 है, क्लियर, अर्थ सिस्टम, अर्थ और सन सिस्टम में। देन लैग्रेरियन पॉइंट 1 जैसे मैंने आपको बताया 1.5 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से, 1.5 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से, और जैसे सैटेलाइट को हेलो ऑर्बिट में जब प्लेस किया जाता है लैग्रेरियन पॉइंट 1 के आसपास, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब सन सोलर एक्लिप्स होगा, मान लो अगर कोई भी ग्रहण लगता है तो इस पोजीशन पे अगर है हमारा सैटेलाइट, तो कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होगा एक्लिप्स के अंदर भी, कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होगा जिसमें सन विजिबल नहीं, राइट, तो जैसे सोलर एक्लिप्स में होता है ना कि इस हिस्सा से नहीं दिख रहा है, ये एरिया नहीं दिख रहा है, उस पॉइंट पे लैग्रेरियन पॉइंट पे सब कुछ उसे क्लियरली कंटिन्यूअसली व्यू कर सकता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी व्यू करने में।
ओके, यहाँ पे लैग्रेंज पॉइंट वन के बारे में गिवन है, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है दैट इज बैकाल जीवीडी टेलीस्कोप। अब ये क्या है, व्हाट इज बैकाल जीवीडी टेलीस्कोप बताइए, मतलब नेक्स्ट टॉपिक नॉट नेक्स्ट न्यूज, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा कि मैम सन को क्यों स्टडी करें, है ना, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सन को क्यों स्टडी करा जाए बताइए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग सन, सन को स्टडी करने का क्या इंपॉर्टेंस है बताइए। आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सन की वजह से हमारा वेदर वेदर जो हमारा क्या पूरे सोलर सिस्टम का वेदर इफेक्ट होता है, सन इफेक्ट्स वेदर ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम। एंटायर सोलर सिस्टम हमें पता है, ठीक है, सन की वजह से पूरा सोलर सिस्टम इफेक्ट होता है, सोलर सिस्टम का वेदर इफेक्ट होता है, और वेदर की वजह से अगर आपको पता हो तो जो ऑर्बिट जो सैटेलाइट्स हैं उनका ऑर्बिट या उनकी लाइफ छोटी हो सकती है या वो डैमेज हो सकते हैं, वो उसमें इंटरफेयर कर सकता है, इसीलिए हमें जानना जरूरी है सन के बारे में। अगर हम वो जान जाएंगे तो हमें पता होगा वो वेदर को कैसे इफेक्ट कर रहा है, हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे और हम अपने उसको नहीं, एटलीस्ट हम अपने सेटेलाइट को उस हिसाब से मॉडिफाई करके ज्यादा एफिशियंट बना सकते हैं, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो अर्थ डायरेक्टेड स्टॉर्म्स है, अर्थ पे जो स्टॉर्म्स आते हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरीके से उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सोलर ऑब्जर्वेशन हम प्रॉपरली कर सके, इन सब के लिए सन को स्टडी करना जरूरी है, दैट इज व्हाई दिस वाज मेड। सन के लिए और भी अलग अलग मिशंस थे जो बनाए गए थे, जो आप खुद पढ़ेंगे, जैसे जापान का है, जापान का सोलर सी ईयू वन सेकेंड ईयूवीएसटी, ईयूवीएसटी इज एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट हाई थ्रू आउट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोपिक एप्सिजन, ईयूवीएसटी फुल फॉर्म लिख देती हूँ, एक्सट्रीम ईयूवीएसटी का फुल फॉर्म लिखती हूँ, एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट हाई थ्रू आउट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसके बारे में आप खुद पढ़ेंगे, क्लियर। नेक्स्ट नासा का भी एक है, दिस इज फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज नासा का, नासा का क्या है, दिस इज ईजेडईआई मिशन, ईजेडईआई मिशन स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोजेट जीमान इमेजिंग एक्सप्लोरर, इमेजिंग एक्सप्लोरर, ठीक है। एंड देन नासा का एक और है पार्कर सोलर प्रोब। तो ये तीनों मिशन आप खुद पढ़ेंगे, इनको पढ़ना भी जरूरी है बिकॉज हमें पता होना चाहिए इससे पहले कौन कौन से सन के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। मैं बस नाम और लिख देती हूँ ताकि आप बाद में उसे पढ़ लें। थर्ड वन इज नासा का ही पार्कर सोलर प्रोब, पार्कर सोलर प्रोब, एंड फोर्थ वन इज हीलियोस, हीलियोस का टू सोलर प्रोब। ये किसका था, जॉइंट वेंचर था नासा का और जो स्पेस एजेंसी है जर्मनी की, वेस्ट जर्मनी, ठीक है, इनका जॉइंट वेंचर था। तो ये जरूर पढ़ना है आपको। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट, एंड दिस इज द लास्ट न्यूज ऑफ द डे, उसके बाद हम कल कवर करेंगे आगे की न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है हमारी बैकाल, सॉरी बैकाल जीवीडी के बारे में, सेकेंड, यस, बैकाल जीवीडी स्कोप टेलीस्कोप। अब ये क्यों न्यूज में है, जो रशियन साइंटिस्ट है उन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। न्यूट्रिनो इज अ पार्टिकल,
जस्ट लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है, जिसका नाम है बैकाल जीबीडी। जीबीडी स्टैंड फॉर गीगा टन वॉल्यूम डिटेक्टर। लेक बैकाल में ये किया गया। लेक बैकाल क्या है, ये साइबेरिया में सिचुएटेड है और वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है, इसलिए इसका नाम रखा गया बैकाल जीबीडी, बैकाल फ्रॉम बैकाल लेक एंड जीबीडी गीगा टन वॉल्यूम डिटेक्टर। इसका जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, इट स्टार्टेड इन 2016। एंड इसको क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि हम न्यूट्रिनोस को और ज्यादा पढ़ना चाहते थे, जानना चाहते थे कि वो कहाँ से आते हैं, ठीक है, उनका सोर्स क्या है। देन दिस इज वन ऑफ द थ्री लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स इन द वर्ल्ड। और पहले दो कौन से हैं, जैसे ये मैंने बताया ना, तीन में से एक है ये, तो बाकी दो कौन से, एक है एंटरेस मेडिटेरेनियन सी में, जस्ट हाईलाइटेड एंटरेस मेडिटेरेनियन सी में, और दूसरा आइस क्यूब साउथ पोल में। जीबीडी को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हाई एनर्जी न्यूट्रिनो को जो भी अर्थ के कोर से आते हैं या कोई प्रोड्यूस हो सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में सन में, उनको अच्छे से डिटेक्ट कर सके। देन ये साइंटिस्ट को हेल्प करेगा ताकि जो यूनिवर्स का ओरिजिन है उसको समझने में, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग थ्योरी के टाइम पे भी कुछ न्यूट्रिनोस फॉर्म हुए थे और उसके बाद से अब न्यूट्रिनोस फॉर्म होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, ठीक है। जो रिएक्शंस हो रहे हैं सन में उसकी वजह से अब न्यूट्रिनोस फॉर्म होते जा रहे हैं और बिग बैंग थ्योरी के टाइम पे भी हुए थे जिससे यूनिवर्स आया था। तो एक बार हमें न्यूट्रिनोस की स्टडी पता चलेगी तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये सारी जो यूनिवर्स का ऑरिजिन है वो कैसे हुआ है फॉर श्योर। देन न्यूट्रिनोस क्या है, कहाँ से आते हैं, तो इसी के लिए इसे बनाया गया। अब न्यूट्रिनोस क्या है, यूनिवर्स बेसिकली कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स की बनी गई है, बनाई गई है, जो उसे डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब सबसे छोटे पार्टिकल्स है, इसलिए उनको फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया है। इनको दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं, क्वार्क्स और लेप्टन्स। डिस्कवरी के हिसाब से 12 क्वार्क्स और लेप्टन्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं, जिसमें से तीन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिनके बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक लाइफ ऑफ एटम कहा जाता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये सारे टाइप्स हैं लेप्टॉन्स के। न्यूट्रिनोस क्या है, न्यूट्रिनोस और न्यूट्रॉन्स अलग है, पहली चीज तो ये याद रख, न्यूट्रिनोस और न्यूट्रॉन्स अलग है, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रिनोस एक फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनको कहा जाता है लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स में हमने देखा था प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स थे। और तीन टाइप के न्यूट्रिनोस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। देन ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स हैं। फोटॉन सबसे ज्यादा है, सेकेंड नंबर पे न्यूट्रिनोज आते हैं। इतना आसान नहीं है इनको कैच करना, क्योंकि इनके पास कोई चार्ज नहीं होता जिसकी वजह से ये किसी से भी इंटरैक्ट नहीं करते। अगर इंटरैक्ट नहीं करते तो आप कैच कैसे करोगे। जो नेचुरल सोर्सेज हैं न्यूट्रिनोज के कौन कौन से हैं, वो रेडियो, जैसे पहले वाले जो एलिमेंट्स होते थे, प्राइमोर्डियल जो एलिमेंट्स होते थे, उनका जब रेडियो एक्टिव डीके होता है विद इन अर्थ, तब ये प्रोड्यूस होते हैं। सन की रेडियो एक्टिविटी से प्रोड्यूस होते हैं, एटमोस्फेयर में जो इंटरेक्शन होते हैं उनसे प्रोड्यूस होते हैं, एटसेट्रा। एक तरीका है न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने का, वो क्या, जब वो वाटर या आइस में हो। जब वो वाटर या आइस में होते हैं तो न्यूट्रिनोस क्या करते हैं, एक लाइट छोड़ते हैं, ठीक है, या बबल्स की लाइन होगी वाटर के अंदर जब वो वाटर से इंटरेक्ट करेंगे। जैसे ही ये साइन दिखे तो साइंटिस्ट बता सकते हैं, क्योंकि फाइन यहाँ न्यूट्रिनो है, और उसके बेसिस पे डिटेक्टर्स को वो बना सकते हैं और न्यूट्रिनोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज हाउ दे कैन आइडेंटिफाई न्यूट्रिनोस। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेक्शन टुडे। अभी हमारा बहुत सारा बाकी है करंट अफेयर्स में भी, तो ये इतना इजी नहीं है, इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत सारा बाकी है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करें लेसन को, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर दें, फिर उससे रेगुलर आपकी क्लासेस चलती ही रहेंगी। वैसे भी आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी। तो ये क्रैश कोर्स का हिस्सा है जिसके अंदर हम सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करा रहे हैं, ताकि आपका प्रीलिम्स एकदम जोरदार रहे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इट। हैव अ ग्रेट डे अहेड।